मुंब्रा में राजनीति की गर्माहट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस तरह से एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रही है, उसी को देखते हुए गत दिनों मुंब्रा में राहुल गांधी के आगमन पर विधायक जितेंद्र अवहार पर रिदा रशीद अध्यक्ष हर्षिया वेलफेयर और शिंदे गुट के नेता राजन किने द्वारा एक बौद्ध समाज के कार्यकर्ता का अपमान और उनके निशान का शॉल फेंकने का आरोप लगाते हुए मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां पर विधायक जितेंद्र अवहार पर एट्रोसिटी का मामला दर्ज हो उसकी मांग की। वही बौद्ध समाज से ताल्लुक रखने वाले प्रवीण पवार, जो शरद पवार गुट के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक पत्रकार परिषद कर विधायक जितेंद्र अवहार पर लगे आरोपों का खंडन करते हुए बताया कि ये सारा मामला झूठा है और हम अवहार साहब के कार्यकर्ता हैं, वो हम पर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। हमारे इस मामले में दूसरी पार्टी को कोई हक नहीं कि उनकी तरफ से उनकी हिमायत करें। उसी झूठी शिकायत को रद्द कराने के लिए प्रवीण पवार आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से मुलाकात कर अपना निवेदन पत्र दिया और निष्पक्षता से जांच करने की विनती की। मीडिया से बात करते हुए प्रवीण पवार ने क्या कहा, सुनते हैं। देश के नेता राहुल गांधी जी आए थे, उसमें जो वीडियो जो महाराष्ट्र में घूम रहा है, जो अवार साहब ऐसा मतलब बोला जा रहा है कि मफलर एक ये शाल एक ये सब जो झूठे आरोप लगाए जा रहे, इसके खिलाफ हम लोग ने आज सीनियर साहब जो अनिल शिंदे साहब जो नए आए हैं उनसे अभी मुलाकात की है और उनको एक लेटर भी दिया है। और हमारी मांगनी थी उनके उनके पास कि 295A के तहत जो सामाजिक भावना बिगाड़ने का, मतलब अभी इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन के मौके पर कहीं ना कहीं दो समाज में ये हो जाए और दंगे हो जाए, तो ऐसे जो बिना जानकारी लिए, अभी उन्होंने आपने देखा रहेगा उनका वीडियो, उन्होंने कहा है कि ये मफलर पे तो अशोक चक्र था, ये था, तो मैंने आप लोगों के सामने वो शाल भी दिखाया जिसपे कोई ये नहीं था, वो कोई मफलर नहीं था, वो शाल था। तो कुछ गलत मतलब गलत ये किसी कोई भी किसी भी प्रकार की उसकी वीडियो की जांच बिना किए हुए अगर सोशल मीडिया पे तुम लोग आते हो और ये सब बवाल करते हो तो ये कहीं ना कहीं ये गंदी राजनीति आपकी, जो नीच घटिया हरकत की राजनीति चल रही है मुंब्रा में, जिससे समाज का माहौल खराब हो सकता है। अभी महाराष्ट्र में एबीपी माधा TV9 पर सोशल नेशनलाइज मीडिया पे ये सब वीडियो चल रहा है, तो महाराष्ट्र में हमको बापू मकरे साहब को जो हमारे तालुका थे लोगों से वहां से फोन आ रहे कि इसका सच क्या है, तो हम लोग कितने लोगों को सच बताते रहेंगे। इसके लिए हम लोग ने आए यहाँ पे रिदा रशीद, आनंद परांज पे और राजन किणे, ये जो तीनों ने जो स्टेटमेंट दिया उन लोग के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए इधर आए थे। सीनियर साहब ने हमको कहा है कि कल सुबह 12 बजे आप आइए, मैं ये वीडियो क्या सच है क्या झूठ है ये चेक करता हूँ और कल 12 बजे मैं आपको आगे की स्टेप बताता हूँ। पत्र में ऐसे क्या लिखा हुआ है, सीनियर साहब के साथ में आपकी जो बातचीत हुई थी, तो सीनियर साहब से क्या आश्वासन मिला है? सीनियर साहब से यही आश्वासन मिला है कि मैं वीडियो की जांच करूंगा, मैंने उनको वीडियो के पुरावे दिए है, वो बोले वीडियो की जांच करूंगा और मेरे वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके अगर इस पे गुनाह दाखिल होता है तो बेटर हो। तो हमारी उनकी बहस भी हुई, हम बापू साहब ने और मैंने, हम दोनों ने उनको कहा है और सभी लोगों ने उनको कहा है कि हम संविधान के अंदर जो कायदा है उसमें ही हम ये बोल रहे हैं, हम ये नहीं कहना चाहते कि आप गलत तरीके से कायदा ये करके उनके ऊपर केस कीजिए, जो बैठ रहा है वही बैठा। अगर FIR दर्ज नहीं हुआ आपके कहने के हिसाब से, तो आगे की रणनीति अपनी क्या रहेगी, क्या करेंगे? अगर FIR दर्ज नहीं हुआ तो कल हम 12 बजे उनसे आके मिलेंगे और फिर उसके ऊपर हमारी समिति पूरा सब बैठेंगे और उसके ऊपर एक फैसला लेके आगे किस प्रकार आंदोलन करना है या आगे कुछ करना है उसके ऊपर हमारी राय मशवरा होके आपको सबको बता दिया जाएगा। बापू भैया बापू इस विषय में आपका क्या कहना है? अभी जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर माहौल खराब हो रहा है, एक तो रमजान का महीना है, मुंब्रा में ऐसा होता है, राहुल गांधी आने के बाद में अवर साहब ने राहुल गांधी को लाके मुंब्रा को एक एनर्जी दी है, क्योंकि मुंब्रा पहला बदनाम होता था, अब मुंब्रा बदनाम नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमने जो लेटर दिया है वो संविधान के अंदर ही वो जो कलम है वो डाला है, वो गुना दाखिल होना चाहिए, क्योंकि अगर गुना सीनियर से हमारे भेष हो गई नहीं है। कल सीनियर ने हमको 12 बजे बुलाया है, प्रवीण ने सब उनको फोटो जो प्रूफ है वो सब दिए है और उन्होंने कहा अगर नहीं हुआ तो कोर्ट में जाने का, तो कल हम पहले 12 बजे देखेंगे और हमें मालूम है, हमें पुलिस स्टेशन पे भरोसा है, शिंदे साहब का शायद आज पहला ही दिन है, वो जरूर हमको न्याय देंगे, नहीं दिया तो फिर आगे की रेंज 12 बजे हम लोग देखेंगे क्या करने का। बाबू मकरे जी